12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक रद्द होते ही कांग्रेस और नीतीश की दूरी बढ़ने की अटकलें लगने लगी। कांग्रेस की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 जून को उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, उसने ये तक तय नहीं किया कि 12 जून की बैठक में कांग्रेस की ओर से कौन शामिल होगा, जिसके बाद अटकलें लगी कि कांग्रेस और नीतीश की दूरी बढ़ रही है। 12 जून की बैठक रद्द होने की जानकारी देते समय भी नीतीश ने कांग्रेस का ही नाम लिया और इशारा किया कि इस बार की बैठक कांग्रेस की वजह से रद्द हुई। हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए उसके बाद का जो डेट तय होगा तब। जिसके बाद बीजेपी ने विपक्षी एकता को हवा हवाई बता दिया। कोई विपक्षी एकता नहीं होने वाली है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि बैठक नीतीश की अगुवाई में पटना में हो। अटकलें हैं कि अब यह बैठक 23 जून को पटना में हो सकती है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेल्जियम ने रूस के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के पास बेल्जियम के हथियार होने के दावे की जांच शुरू कर दी, क्योंकि दावा है कि पुतिन विरोधी गुट ने कुछ दिन पहले ही रूस के बेलग्रद इलाके में हमले किए थे जिनमें बेल्जियम में बनी राइफल का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब इस बात की खबर बेल्जियम को लगी तो उसने यूक्रेन से सफाई मांगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि यूक्रेन को मदद के तौर पर जो हथियार दिए गए हैं उसकी पहली शर्त यही है कि उन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की सीमा के बाहर नहीं किया जा सकता। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने बताया कि अगर उन्हें इस शर्त के उल्लंघन के सबूत मिले तो यूक्रेन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। आग से 2.5 लाख एकड़ में फैला जंगल राख हो गया और जंगलों में लगी आग को जो वीडियो सामने आया उसमें बड़े पैमाने पर जंगल जलते नजर आए। और जंगल में लगी आग इतनी तेज थी कि उसने करीब 2.5 लाख एकड़ जंगल को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। जंगल में धधकती आग देखते ही देखते फैलती चली गई और दूर दूर तक आग की भीषण लपटें उठती नजर आईं। बताया गया कि आग की ऊंची लपटों ने कुछ ही समय में सब कुछ तबाह कर दिया। पूरे आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। इधर राजस्थान के झुंझुनू से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो सांडों को टक्कर मारने के बाद एक बस डिवाइडर पर लगे लोहे के खंभे से जा टकराई। घटना उस वक्त हुई जब वो दोनों सांड लड़ते हुए अचानक सड़क के बीचों बीच आ गए और तभी वहां तेजी से आ रही एक बस ने दोनों सांडों को टक्कर मारी और फिर डिवाइडर पर लगे एक लोहे के खंभे से टकरा गए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसी दौरान दो सांड सड़क किनारे लड़ते दिखाई दिए। जैसे ही वो दोनों सड़क के बीचों बीच पहुंचे सामने से आ रही तेज रफ्तार बस उनसे टकराने के बाद डिवाइडर पर लगे एक लोहे के खंभे से जा भिड़ी। इसके बाद जो हुआ ब्रेक के बाद। अलग अलग स्टेज पर कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी, युवाओं को गुमराह कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने पर मजबूर किया जाता था और फिर भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नायक के वीडियो भी दिखाए जाते थे, यह पुलिस का कहना है। लेकिन अब उस गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई। कुछ दिन पहले पुलिस को शिकायत मिली थी कि गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। इसकी शिकायत गाजियाबाद के एक परिवार ने की थी जिसमें बच्चे के परिवार ने